हेलो दोस्तों, आई एम लकी मैन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूं, यहाँ पे हमारे पास जो हमारी टेस्ला की यहाँ पे व्हीकल स्क्रीन है, उसके बाद यहाँ पे जो ओशन आर्क लोड वाला एक्सूट है, तो दोनों के यहाँ पे जो लीक्स है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में ट्रेलर देखा, आपको पता है वो टेस्ला की तीन स्क्रीन है वो आ रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको जो इन गेम कुछ इस तरीके से टेस्ला की स्क्रीन है वो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट तीन टेस्ला की स्किन्स आएंगी, यहाँ पे जो तीन कलर में मिलेगी आपको। और बाकी यहाँ पे देख सकते हो जो पहली स्किन है वो यहाँ पे टेस्ला रोडस्टर डायमंड है, तो एक काफी बेहतरीन सी स्किन है जो कि आपको देखने को मिल जाएगी 1.5 के अपडेट में। देख सकते हो इसके भी यहाँ पे डोर्स कुछ वैसे ही ओपन हो रहे हैं जैसे कि अब मैकलेरन के टाइम हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और कलर है डिजिटल वाटर, तो ये भी काफी एक अच्छी स्क्रीन है मेरे ख्याल से। तीनों कलर्स में से मुझे ये काफी पसंद आया। इसमें आप देख सकते हो आगे थोड़ा सा ग्रीन है और बैक में थोड़ा सा ब्लू है, तो काफी अच्छी स्किन्स आ रही है टेस्ला की। बाकी दोस्तों, यहाँ पे जो सेम कोलैब है ये आपको BGMI में भी देखने को मिलेगा और जो PUBG मोबाइल है दोनों में देखने को मिलेगा। इसके पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्किन का डिजाइन किया गया है उसमें आपको सिर्फ नॉर्मल टेस्ला देखने को मिल रहा है, लेकिन मैकलरन के पीछे यहाँ पे PUBG मोबाइल था। तो देख सकते हो ये भी यहाँ पे ठीक ठाक सा कलर है। फिर दोस्तों, यहाँ पे टेस्ला की आपको बता कि एक तो डासिया की स्किन आ रही है जो कि टेस्ला रोडस्टर होगी, लेकिन उसके साथ यहाँ पे हमारे पास हमारा जो रॉनी होता है या फिर जो ट्रक होता है सैनॉक में, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक जो स्किन आ रही है, अगर तो अगर आप सैनक खेलते हो तो आप ये वाली स्किन ले सकते हो। काफी वैसे ठीक ठाक सी स्किन है ये वाली भी। इसमें भी यहाँ पे मेरे ख्याल से सिल्वर कलर सबसे बेटर लग रहा है, पूरा एक टेस्ला का फ्यूचरिस्टिक सा ट्रक्स लग रहा है, देख सकते हो। और बाकी यहाँ पे स्प्लेंडेड सिल्वर पहला हमारा है और इसका वैसे नेम टेस्ला साइबर ट्रक है ऑफिशियली जो है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ब्लू कलर में भी आ रही है टेस्ला की स्किन, तो देख सकते हो। उसके नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैक कलर भी है, तो जोन सा आपका फेवरेट है जितना यूज आपको लगाने हैं, बाकी वही सेम जैसे स्पिन मैकलेरन का आया था वैसी आएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे टेस्ला की स्किन्स होगी, काफी अच्छी स्किन्स है। बाकी आप बताओ आपको कौन सी लगी है इसमें से सबसे अच्छी जो स्किन है। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ हमारे पास आउटफिट्स हैं जो कि मोस्ट लाइकली आपको इसी में देखने को मिलेंगे जो टेस्ला का स्पिन आएगा। देख सकते हो यहाँ पे एम्बर यहाँ पे एक सेट है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे सेट है ये फैशन वाला, तो काफी अच्छे सेट्स हैं ये भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अपने जो एक्सूट की, जो कि यहाँ पे PUBG मोबाइल और अपना जो BGMI उसका थर्ड एक्सूट होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस एक्सूट का यहाँ पे जो ट्रेलर है उसको देख सकते हो। पे देख सकते हो हमारे पास हमारा जो ओशन आर्क लोड का एक्सूट है, तो वो आपको 1.5 के अपडेट में आप जो अगस्त मंथ होगा उसमें देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कुछ इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है कुछ एटलांटिस से रिलेट करती है, तो मे बी जो ओशन आर्क लोड है यहाँ पे एटलांटिस का किंग हो सकता है। बाकी इसके बाद यहाँ पे आप इसका जो इन गेम टेक्सचर्स है देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको जो स्किन है वो गेम में देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हो काफी वैसे एक मस्त सा अपना जो थर्ड एक्सूट आपको PUBG मोबाइल और अपना जो BGMI है दोनों में देखने को मिलेगा। तो बेसिक अपीयरेंस का यहाँ पे नेम वैसे यहाँ पे पोसाइडन है, लेकिन बाकी के आपके जो लेवल्स हैं उसका ओशन आर्क लोड ही नेम रखा है इन्होंने, तो देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास टीममेट इंटरेक्शन आता है, तो ये देख सकते हो शेयर आइटम जैसे बाकी के एक सूट के होते हैं वैसे यहाँ पे अपना जो हेडगेयर है ये फेस मास्क है वो डालता है, तो ये भी ठीक ठाक सा है। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आता है टीममेट, आप देख सकते हो लॉबी एक्सक्लूसिव इमोट है, तो ये देख सकते हो कुछ अपना शायद होलोग्राम अनेबल किया इसने। और फिर मेरे ख्याल से आपका जो साइड वाला कैरेक्टर होगा वो इससे कुछ खेल रहा है मेरे ख्याल से, कुछ सी क्रिएचर्स हैं ये, कुछ शेलफिश है, तो देख सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे आती है हमारे पास एडवांस फॉर्म, तो एडवांस फॉर्म देख सकते हो इस आउटफिट के यहाँ पे अपना जो ओशन आर्क लोड का थर्ड लेवल होगा, जो कि देख सकते हो यहाँ पे ये भी काफी अच्छा लग रहा है। बाकी दोस्तों थोड़ा बहुत मेरे को लग रहा है अगर इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट होता या फिर थोड़ा सा अपना जो ब्लू कलर है थोड़ा सा ज्यादा होता तो आउटफिट में थोड़ा और अच्छा लगता, लेकिन अभी के लिए आपको देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है जो आउटफिट है। इसमें भी आपको देख सकते हो नीचे में जो क्लोथ इफेक्ट है वो नीचे आ रहा है बाकी सारे एक्सूट की तरह ही। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है हमारे पास विक्ट्री ब्रॉडकास्ट, तो अगर आप किल करते हो तो ये आपका कुछ ऐसा स्क्रीन इफेक्ट आएगा, किल इफेक्ट आएगा, देख सकते हो ये भी काफी मस्त है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है शॉक एंड वेव का एंट्री रिमोट, तो ये देख सकते हो पूरा साइड से होलोग्राम निकलते हैं और ये कुछ फिश निकल रही है और उसके बाद ये उनके बीच में से निकलता है अपना यहाँ पे ट्राइडेंट लेके, तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा इसका जो इमोट है वो भी होने वाला है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉन आइलैंड का इमोट, तो स्पॉन आइलैंड का दोस्तों इमोट भी काफी अच्छा है, देख सकते हो सारी तरफ आता है, ये देख सकते हो अपना पूरा यहाँ पे वेल निकलती है, तो ये काफी अच्छा अपना ट्राइडेंट को यूज करके मारता नीचे,
तो ये भी काफी अच्छा इमोट है एक सूट का। फिर यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइनल फॉर्म, तो देख सकते हो आप जो एक सूट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ब्लू कलर हो चुका है, तो अब यहाँ पे जो एक सूट है वो काफी अच्छा लग रहा है, काफी जबरदस्त है एक सूट आपको दिखने को मिल जाता है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से है, इसमें भी यहाँ पे जो क्लोथ इफेक्ट है वो तो आएगा ही ऑफकोर्स, और पीछे इसका देख सकते हो जो हेड गियर है तो उसमें भी आपको जो क्लोथ इफेक्ट है काफी एक अच्छा खासा सा क्लोथ इफेक्ट है वो आ रहा है अब, और काफी वैसे अच्छा लुक दे रहा है उसको जो हेड गियर इसका एक सूट को पूरे। तो ये दोस्तों हो गया हमारा यहाँ पे जो ओशन आर्क लॉर्ड का एक सूट। इसके बाद यहाँ पे जो ओशन आर्क लॉर्ड का यहाँ पे जो एक सूट आएगा तो उसमें कुछ और चीजें भी आएंगी, जैसे कि अपना देख सकते हो यहाँ पे जो पोसाइडन का बैकपैक है तो वो भी काफी जबरदस्त है दोस्तों, एक बैकपैक आपको देखने को मिल रहा है देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे बैकपैक का जो लेवल 3 देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास इसके बाद जो बैकपैक के बाद एक पैराशूट की स्किन भी आ रही है, तो ये भी देख सकते हो काफी अच्छी स्किन है। सेंटर में आपको जैसे अपना थोड़ा ब्लू कलर देखने को मिल जाता है जैसे कि एक सूट पे या डिजाइन है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और सेट है देख सकते हो, यहाँ पे ओशन आयरन गार्ड यहाँ पे सेट है, तो ये भी पूरा एक वाइकिंग्स टाइप का सेट लग रहा है, इसका हेडियर काफी अच्छा लग रहा है देख सकते हो। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक और सेट है देख सकते हो, पोसाइडन यहाँ पे हेराल्ड यहाँ पे सेट, तो ये भी काफी अच्छा सेट लग रहा है देख सकते हो, काफी भयानक सा सेट है, थोड़ा डरावना बनाया इसको। और इसके बाद यहाँ पे क्लोज में भी देख लो इसको। फिर उसका दोस्तों यहाँ पे आपको दो फीमेल सेट देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे लूनर विच सेट है, और उसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ लूनर यहाँ पे डेमन सेट है, तो ये दोनों यहाँ पे फीमेल सेट है। काफी दोस्तों अच्छे अच्छे सेट्स हैं ये, एंड आप कह सकते हो यहाँ पे पोसाइडन के चेले ही हैं ये, तो देख सकते हो काफी दोस्तों अच्छे अच्छे सेट्स आ रहे हैं ये दोनों के जो फीमेल सेट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा सेकंड सेट हो गया ये। फिर उसका फ्रेम तो आ ही रहा है हर बारी की तरह। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इमोट देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रप्चर ऑफ यहाँ पे थंडर, ये भी काफी एक अच्छा इमोट है, अपना ट्राइडेंट यूज करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक शार्क टाइप का इमोट है देख सकते हो, अपना अमेरिका से कुछ ये इसका शायद वेपन हो सकता है और कुछ शार्क को काटता है शायद ये, तो वो देख सकते हो काफी दोस्तों अच्छा सा लग रहा है ये। तो ये दोस्तों था यहाँ पे एक सूट जो कि आपको यहाँ पे 1.5 के अपडेट पे देखने को मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो आपको बताना था, बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।